नहीं, उसके लिए जो हमारे जलील साहब ने बोला है कि मैडम को हटाओ, मैडम को सस्पेंड कर दो, डीन मैडम को, उससे कोई मतलब नहीं है। और घाटी में कुछ भ्रष्टाचार हो रहा होगा तो फिर घाटी का भ्रष्टाचार निकालने के लिए मंत्री को आदेश देने लगा ना, सीएम के पास बोलो, मंत्री के पास बोलो, और भी जो भी अधिकारी होते चीफ सेक्रेटरी उसको बोलो कि भाई घाटी में ऐसा हो रहा, वो इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे, करेंगे फिर कुछ ना। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि वो बहुत काम करे सब लोग। देखिए जो महापालिका के कर्मचारी अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर उनके कर्मचारी, उसके बाद में आरोग्य डिपार्टमेंट के जितने भी हैं उतने काम कर रहे हैं, दवाखाने वाले काम कर रहे हैं, तो उनको ये डिस्टर्ब करके मतलब नहीं ना। उनको अभी तो अपने सब पूरा काम उनसे उनके माध्यम से करने का है, तो फिर उनको आरोप करके क्या फ़ायदा, आरोप नहीं करना चाहिए। उनकी इंक्वायरी भले ही होने दो, उच्च स्तरीय कमेटी से उनकी इंक्वायरी होने दो, लेकिन ये इनको निकालो ये करना, फिर हौसला उनका कम हो जाता है डॉक्टर लोगों का काम करने का, इसे नहीं होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में पूछा सर, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, जो भी कोरोना के पेशेंट अगर नहीं ले रहे होंगे तो उनके ऊपर एक्शन होने चाहिए। आज मैं कहूँगा कि आज कैसा कि आज हमने कई लोगों के मैनेजमेंट से बात की ना, तो इसलिए हुआ मतलब आपको 3-3 बजे पेशेंट धूत हॉस्पिटल में एडमिट किया, 3-3 बजे, यहाँ भी कमलन बाजार में भी, उसके बाद में हमारे हेगडेवर हॉस्पिटल में भी मैंने कई बार एडमिट किया। गरीब लोग लेकिन अप्रूव नहीं कर सक रहे ना सर उनका, नहीं लेकिन उसके लिए गरीब ये तो वो पेमेंट लेंगे, पैसे लेंगे उसके, लेकिन उससे बेस्ट वे ये है कि अपनी घाटी है, मिनी घाटी है, बाकी ये सर जीवनदायी में करूँ सर उनका इलाज, घाटी के अंदर भी जाने के लिए सर जो है बाहर मार्केट में ऐसी हवा चल रही है कि कुछ इंजेक्शन देके जो है तो वो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग भी डर के मारे घाटी में नहीं जा रहे। नहीं नहीं, घाटी में कैसा है, घाटी में अभी 200 तक लोग मरीज हो गए, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा करने मतलब सीरियस पेशेंट भी वहाँ जा रहे हैं और उनकी पूरी यंत्रणा बहुत है, तो जहाँ भी सीरियस होंगे, अब मैं कई बार घाटी से अच्छे होके तंदुरुस्त होके लोग आए ना बाहर, ऐसा नहीं कि नहीं है सर। कोरोना की वजह से उस पर राजकारण ना किया जाए, सभी राजकीय पार्टियां के नेता बोल रहे हैं, फिर औरंगाबाद शहर में सियासत हो रही है, इस पर राजकारण हो रहा है, वो उस पर आरोप लगाते, वो उन पर आरोप लगाते, वो बोलते हैं मैदान में नहीं, बोलते वो काम करते नहीं। नहीं मैं तो बोल रहा कि आप सब मिलकर काम करो, मैं किसी काम करने के बारे में मैंने किसको बोल रहा रोका नहीं, काम करते रहो। हमारे लोगों को बोला कि आप अच्छे समर्थक, आप बिल्कुल मजबूत हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करो ना भैया, इसके नीचे उसके नीचे मीटिंग लेके क्या फ़ायदा, आप खुद हो के मैदान पे उतरो, रस्ते में उतरो, रस्ते में उतर सकते हैं लेकिन नहीं उतरे। और ये इसे फिर अभी सब हमारे तीनों भी MLA बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी घाटी हस्पिटल मीटिंग ली, कलेक्टर साहब मीटिंग ली, कमिश्नर के साथ मीटिंग ली, पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग ली, और उनका काम अभी जोर से चल रहा है। सर आम लोगों को राहत तो ठीक है, लेकिन आपने स्वास्थ्य विभाग को भी PPE की किट जो मुहैया कराई है, गंगापुर होगा, वैजापुर होगा, दिया हमने दिया, तो आप कितने शहरों में गए? मैं गंगापुर में दिया, कन्नड़ में दिया, सिल्लोर में दिया, वैजापुर में दिया, पैठण में दिया, जाके दिया हम लोगों ने, शिवसेना के तरफ दिया हमने। अभी ऐसा है कि उस समय कोई कोरोना नहीं आया था, लेकिन जैसे भी यहाँ के लोग उधर, मुंबई के लोग इधर, ऐसा सब आना जाना चालू होने के बाद में ये सब लोग बढ़ते जा रहे हैं, आज भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। सर आखिरी सवाल ये है मेरा, मालेगांव में जो है मंसूरी जो काढ़ा है यूनानी मेडिकल ने बनाया है, इससे कोरोना पर मात करने के लिए मदद हुई है और पूरा देश भर में इसकी चर्चा है, तो क्यों ना औरंगाबाद शहर में लाया जाए, तो फिर कोरोना मुक्ति के लिए कुछ नहीं। नहीं मैं ये कहूँगा आपको, अपने यहाँ के जो कलेक्टर थे पहले इकबाल सिंह चहल, वो आज मुंबई महापालिका के आयुक्त हैं, सबसे सीनियर मोस्ट है वो। मैं कहूँगा कि उन्होंने धारा भी एकदम क्लीन की, उसके बाद में और भी वर्ली है बाकी के मुंबई का भी इलाके में एकदम बहुत अच्छा किया था उनका। उन्होंने मुझे कहा अमेरिका से फ़ोन, वाशिंगटन DC से फ़ोन, उसके बाद में फिर अपने यूनो से फ़ोन, लंदन से फ़ोन, भाई आपने इतना ये कैसा किया, धारा भी झोपड़पट्टी बोलो तो बहुत एकदम कंजेस्टेड है, वो कैसा किया, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा देखा। तो मैं भी ये चाहता हूँ मैंने कि किसी भी हालत में, लेकिन क्या बोल अधिकारी क्या बोलते, लोग सुनते नहीं, निकल जाते बाहर विदाउट मास्क, टेबल सीट। अभी मैं भी कभी कभी जाता रहा था, अरे भैया वो ये लगाना मास्क, जा रहे तुम तीनों भी टेबल सीट जा रहे, लेकिन मास्क भी ये लगाएंगे,
इनके कारण से ये हो रहे। और लोग अभी अधिकारी कर्मचारी भी कितना बोलेंगे, बोलते रहते हो कि मारने का तो आदेश है नहीं, पहले तो छड़ी मारते थे लेकिन अभी आने का तो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो सुनते वो बोलते तभी सुनते नहीं अपने लोग। इसलिए अपने लोगों ने अभी नियम पालना चाहिए, जो भी कोरोना का जो है भाई, मेरे घर में कुछ हुआ तो मेरे सारे लोगों को तकलीफ होगी, इसलिए हम लोग जितना भी हम प्रिकॉशंस लेंगे, ये सबने अगर सोचा तो मेरे ख्याल से ये कोरोना खत्म हो जाएगा। एक नंबर होगा, भारी हिंदी है, हिंदी की लगा एकदम एकदम।